बड़ी ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश की सेवा की है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं उसको मजबूत करने का काम किया गया है। अगर हम कामों की गिनती करें तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। ये हर व्यक्ति को इस बात के बारे में मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। हमने चाहे किसान की फसल का खराबा है उसका 100% मुआवजा उस तक देने का काम किया है। हमारा सब्जी का किसान उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया। मेरा बाजरे का किसान उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया। मेरा सरसों का किसान है उसको उचित मूल्य MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसा हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया। गरीब व्यक्ति को हमने मजबूत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने मकान बना करके देने का काम किया है। हमने इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की उसको कोई चिंता कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हमने काम किया है। हमारी सरकार ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर लगी रही है। आगे भी हम ईमानदारी से हमारी सरकार मजबूती से काम करेगी और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय अच्छा है जो वो बात सोच रहे हैं क्योंकि उनको कोई रोक थोड़ी सकता है। एग्जिट पोल ये तो छत्तीसगढ़ में कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में बोल रहे थे कि हमारी टक्कर है, यही बोल रहे थे कांग्रेस के लोग, कोई और नहीं बोल रहा था। एग्जिट पोल के ऊपर बोल रहे थे, ये एग्जिट पोल के ऊपर बोल रहे थे। हाँ बोलने अच्छा है, खुश हो जाएंगे, परंतु हमने ईमानदारी से काम किया है। हमने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को देश को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर देश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के गए। हम विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के गई है। हमने बिना क्षेत्रवाद के ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश का काम किया। इस बात को लोग एक्सेप्ट करते हैं। जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देखिए ये इनका इंटरनल मामला है। वो अपनी क्या उन्होंने अपनी समीकरण लगा रखे हैं, वो अपने समीकरणों को देखें, देख करके फिर बात करें। परंतु उसके साथ साथ वो राजस्थान को भी ध्यान करें, वो मध्य प्रदेश को भी ध्यान करें, छत्तीसगढ़ को भी ध्यान करें, उत्तराखंड को भी ध्यान करें, देखना चाहिए। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी अब, क्योंकि इन्होंने झूठ की राजनीति चलाई है। शुरू शुरू में चली है, हिमाचल में चल गई, कर्नाटका में चल गई, तेलंगाना में चल गई, परंतु उसके बाद नहीं चली। उसके बाद इनको नकार दिया गया क्योंकि ये लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं, परंतु अब इनका झूठ नहीं बिकेगा ना चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। देखिए वो तो उनके DNA के अंदर है, जब नहीं अपने पक्ष में कुछ दिखता है फिर EVM को कोसेंगे।